ऑड डेज, 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। 75 वीक्स मतलब सेम डे प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करो, बिल्कुल सही। इफ टुडे इज सैटरडे, आज क्या है शनिवार, तो बताएं 999 डेज बाद क्या होगा। हां जी, 999 डेज, तो 999 डेज में हम ऑड डेज निकालेंगे, ऑड डेज, ठीक है। तो आज शनिवार है, तो 142 वीक्स प्लस 5 ऑड डेज, 142 वीक्स प्लस 5 ऑड डेज, तो वीक से तो सेम डे आ जाएगा, 142 वीक्स मतलब सैटरडे, प्लस 5 दिन एक्स्ट्रा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो सैटरडे तो पहले ही था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो क्या आंसर आ गया, थर्सडे। हाँ जी, 217। अब देखो 217 को 7 से डिवाइड करेंगे तो सेम डे आ जाएगा, 217 को हमने किया 7 से डिवाइड, 7 3 21, 7 1 7, तो यानी कि ये प्रॉपर 31 वीक्स हो गए। दिसंबर 2 को, 2008 को ट्यूसडे है, तो 31 वीक्स बाद भी ट्यूसडे, क्योंकि 1 वीक बाद ट्यूसडे, सेकंड वीक में फिर ट्यूसडे, फिर 31 वीक्स में फिर ट्यूसडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th में देखिए, आपको पूछ रहा है कि इसके बाद नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा। अब देखो जब भी मेरे पास पीछे हो 00, ठीक है, 00 या 000, तो हमेशा 400 के बाद, 400 से डिविजिबल जो होगा तब लीप ईयर आएगा, तो हमेशा 400 के बाद लीप ईयर आएगा, 400 से जो डिविजिबल होगा तब लीप ईयर आएगा। अब मेरे पास है 1600, सॉरी 1700, 2300, 3800, 3200। अब इसमें देखो जो 400 से डिविजिबल होगा तब लीप ईयर आएगा, तो 400 से डिविजिबल तो लीप ईयर। 1700 को 400 से डिवाइड किया तो 00 तो कट गए, पर 17 नहीं कट रहा, 2300 भी नहीं हो रहा, 3800 भी नहीं हो रहा, 3200, 3200 400 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो आंसर क्या आएगा, 3200। 2020 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, 2024, 4 ईयर्स बाद, तो 2024 में, तो क्या आंसर आ जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 6th में कह रहा है कि बताएं कितने दिन हैं 26 जनवरी से लेके 15 मई 2004 के बीच में, और साथ में वर्ड क्या लिख दिया, बोथ डेज इंक्लूडेड, ठीक है, बोथ डेज इंक्लूडेड मतलब दोनों दिन को काउंट करना है, 26 जनवरी को भी और 15 मई को भी। अगर बोथ वर्ड ना लिखा हो तो हम दोनों में से एक को काउंट करते हैं, ठीक है, अगर बोथ वर्ड ना हो तो दोनों में से एक को काउंट करना है। अब यहाँ पर बोथ वर्ड है तो यानी कि दोनों को काउंट करना है, ठीक है, दोनों को काउंट करना है। अब जनवरी के कितने दिन हो गए, 26 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 days। फरवरी 2004 लीप ईयर है तो 29, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 15, तो इन सबको ऐड कर दो, फटाफट ऐड करो और बताओ कितने दिन आएंगे। हाँ जी, इन सबको ऐड किया तो क्या आ रहा है, 11 जनवरी भी काउंट करना पुलकित, क्योंकि उसने स्पेसिफिक लिखा है बोथ डेज इंक्लूडेड, यानी कि 26 जैन भी काउंट करो और 15 मई भी काउंट। चलिए 7th क्वेश्चन देखिए, 112 आ गया, अगर बोथ डेज ना लिखा होता तो मैं या तो इसको काउंट करती या इसको, अगर बोथ डेज नहीं लिखा, बोथ डेज लिखा है तो दोनों काउंट होंगे, नहीं तो दोनों में से एक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में कह रहा है इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, टुडे, टुमोरो, डे आफ्टर टुमोरो,
टुडे मतलब आज का दिन, टुमारो मतलब कल, आने वाला कल, डे आफ्टर टुमारो मतलब उससे और अगला दिन. इधर क्या लिखेंगे, येस्टरडे पिछला कल, डे बिफोर येस्टरडे. उसने कहा इफ द डे बिफोर येस्टरडे वॉज थर्सडे, इस दिन थर्सडे है, इस दिन क्या है थर्सडे, तो बताएं संडे कब आएगा, तो संडे कब आएगा. अब ये थर्सडे है, ये आ गया फ्राइडे, ये आ गया सैटरडे, ये आ गया संडे. तो संडे कब आएगा, टुमारो. संडे कब आएगा, टुमारो. तो क्या आंसर आया, सी ऑप्शन. हां जी चलो चेक करते हैं, आंसर आने शुरू हो गए. टुडे, डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, तो इस दिन आ गया सैटरडे. तो येस्टरडे से तीन दिन पहले, तो ये सैटरडे आ गया, ये आ गया फ्राइडे, ये आ गया थर्सडे. ये सैटरडे, ये फ्राइडे, ये थर्सडे, तो ये क्या आ गया बुधवार. तो येस्टरडे को आ गया बुधवार. अब तीन दिन पहले, ट्यूसडे मंडे संडे, ट्यूसडे मंडे संडे, तो तीन दिन पहले क्या आएगा, संडे. ए ऑप्शन, बी नहीं आएगी. तीन दिन पहले, तो तीन दिन पहले मतलब तीसरा दिन, तो बुधवार से तीसरा दिन, ट्यूसडे मंडे संडे. चल इसको ट्राई करो. इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो साल जिस पे शुरू हुआ है उसी पे खत्म होगा. अब देखो उसने मुझे बोला एक तारीख को क्या है, फ्राइडे. एक तारीख को फ्राइडे है. 31 दिसंबर को क्या होगा, और लीप ईयर नहीं है, अदर देन लीप ईयर. तो अदर देन लीप ईयर मतलब ऑर्डिनरी ईयर. अदर देन लीप ईयर तो क्या हो गया, ऑर्डिनरी ईयर. जब ऑर्डिनरी ईयर होता है, साल जिस पे शुरू हुआ है उसी पे खत्म. अगर तो है लीप ईयर, तो साल जिस पे शुरू हुआ है, अगर साल फ्राइडे को शुरू हुआ है तो किस पे खत्म होगा, सैटरडे को. एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है. एक तरीका और बताया था कि अगर आपका बर्थडे इस साल मंडे को आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर अगर तो है ऑर्डिनरी ईयर, तो कब आएगा, ट्यूसडे को. तो उससे एक दिन पहले क्या हो गया, मंडे, ठीक है. ऐसे ही अगर आपका बर्थडे इस साल मंडे को आ रहा है, तो लीप ईयर है तो दो दिन बढ़ जाएगा. लीप ईयर है तो दो दिन बढ़ जाएगा. बुद्धिस क्वेश्चन में, नाइन्थ क्वेश्चन क्लियर. चलिए ये क्वेश्चन देखिए. अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं. पहला, एक अक्टूबर को संडे, एक नवंबर को क्या होगा. पहला तरीका, प्लस सेवन किया, एट अक्टूबर को संडे, प्लस सेवन फिफ्टीन अक्टूबर को संडे, प्लस सेवन 23 अक्टूबर को संडे, प्लस सेवन 30 अक्टूबर. अब मुझसे क्या पूछा है, फर्स्ट नवंबर, यहाँ पे गलती होगी, 15 प्लस 7 22, फिर 29 अक्टूबर को संडे, और अक्टूबर होता कितने का है, 31 का, 30 31 1. तो ये आ गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो 1 नवंबर को क्या आ गया, बुधवार. 1 नवंबर को क्या आ गया, बुधवार. हाँ जी, अब इसमें दूसरा तरीका है ऑड डेज निकालते हैं. अब हम इसको ऑड डेज तरीकों से भी निकाल सकते हैं. 1 अक्टूबर से 1 नवंबर मुझे ऑड डेज निकाल लेने. अब मैंने आपको बताया कि जब तक बोथ डेज नहीं लिखा, तो दोनों दिन काउंट नहीं करने, एक दिन छोड़ दो, ठीक है. बोथ डेज नहीं लिखा तो आपने दोनों दिन काउंट नहीं करने, एक दिन छोड़ दो. तो हमने 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक लिया, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, 1 नवंबर को छोड़ दिया. 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर कितने हो गए, 31 डेज. 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर कितने हो गए, 31 डेज. अब 31 डेज डिवाइड बाय 7, 31 को 7 से डिवाइड किया, 7 4 28, 3 और डेज.
सेवन को 31 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 और डेज, 3 दिन बढ़ाना है। तो ये संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हां जी नेहा, मैंने दूसरे तरीके से भी करा दिया, समझ आ गया? मैम पहले वाले तरीके से दोबारा बता दो। दोबारा देख लो, अगर 1 अक्टूबर को संडे है तो प्लस 7 किया, 8 अक्टूबर को फिर संडे, क्योंकि एक हफ्ते के बाद फिर संडे आ जाता है। फिर 8 प्लस 7 15 को फिर संडे, फिर 15 प्लस 7 कितना आ गया, 22 अक्टूबर को संडे। ठीक है, तो संडे संडे आ जाएगा, तो 29 अक्टूबर को संडे आ गया, तो 30 31 1, 3 दिन एक्स्ट्रा। 3 दिन एक्स्ट्रा किए तो कब आ गया मेरे पास, क्या आ गया, वेडनेसडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो जी। 25 अगस्त को क्या है, थर्सडे, और मुझसे पूछ रहा है कि बताइए इस मंथ में मंडे कितने आएंगे। 25 अगस्त को क्या है, थर्सडे, अब इसके बाद तो एक ही मंडे होगा क्योंकि 31 अगस्त का मंथ है, 31 है ना, तो इसके बाद एक ही मंडे होगा, तो देखते हैं कब आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। ये 25 है, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, तो 29 अगस्त को आ गया मंडे। ये 25 थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 26 27 28 29 को आ गया संडे, सॉरी थर्सडे, सॉरी मंडे, भूल गई मैं। अब मुझे -7 करेंगे तो भी तो मंडे आ जाएगा, तो -7 किया, 22 को मंडे, -7 15 को मंडे, -7 8 को मंडे, -7 1 को मंडे, तो इस मंथ में कितने मंडे आ गए, 5, कितने मंडे आ गए, 5 मंडे, 29 भी है, 22 15 8 1, तो कितने मंडे आ गए, 5। हां जी, दीपा मूवी देखने गई 9 दिन पहले, ठीक है, दीपा मूवी देखने गई 9 दिन पहले, और वो किस दिन मूवी देखने गई थी, थर्सडे को, तो बताइए आज क्या है, अब 9 दिन पहले मूवी देखने गई, 9 दिन पहले गई, तो मतलब 9 को 7 से डिवाइड किया तो 2 और डेज, मतलब 2 दिन आगे, अगर उस दिन थर्सडे था मूवी वाले दिन तो 2 दिन बढ़ा दो, तो आज क्या है, सैटरडे। हां जी, 3 दिसंबर को संडे है, +7 10 को संडे, +7 17 को संडे, +7 24 को संडे, 24 प्लस 7 31 दिसंबर को संडे, 3 जनवरी को क्या होगा, 1 2 3 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो क्या आंसर आ गया, वेडनेसडे। चलिए डी आंसर आएगा सौरभ। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।